गुड इवनिंग एवरीबॉडी. बच्चे, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टार्टेड अप विद रिवीजन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो बच्चे, हमने एसिड्स की जो जनरल एसिड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने किया था. वी ऑल्सो डिड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ऑल राइट, देन वी डिड अ डिस्कशन ऑन द एक्टिविटीज जो डिस्क्राइब करते हैं दैट एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट वी विल मिक्स ग्लूकोज अल्कोहल एंड एनी एसिड इन वाटर एंड चेक फॉर कंडक्टिविटी. तो दैट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी बिगन विद. ओके, तो बच्चे आज जो है हम क्या करेंगे, विल बी बिगनिंग अप विद बेसिस, अ क्विक रिकैप ऑफ बेसिस एंड देन विल मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज. सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिस की जब हम बात करते हैं, बेसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इफ यू वांट टू डिफाइन अ बेस, बेस कैसे डिफाइन होगा. इट इज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल प्रोड्यूस ओएच माइनस आयंस. बेस क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस ओएच माइनस आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. प्रोड्यूसेस, ओके, दे प्रोड्यूस OH minus ions on dissolving in water. Okay, हमने बच्चे एसिड की डेफिनेशन में लिखा था दे विल प्रोड्यूस H plus ions और H3O plus hydronium. बेस क्या है, दे विल प्रोड्यूस OH minus ions on dissolving in water. अब बच्चे depending on the base, okay, whether strong or weak, OH minus ions की कंसेंट्रेशन वेरी करेगी. I'll just take a simple example. Let's say NaOH. NaOH dissolved in water, it will produce Na plus ions plus OH minus. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे तो ये OH minus ions प्रोड्यूस करता है. अब अच्छा, when you talk about NaOH, this is a strong base क्या होती है, which completely ionizes, on dissolving in water. Strong base क्या है, which completely ionizes on dissolving in water. Okay, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगी. वॉट एवर वॉल्यूम यू पुट इन वॉटर इट विल आयनाइज. ओके, सो NaOH इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. बच्चे इसके अंदर आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, NaOH तो आई गया, यू कैन ऑल्सो राइट KOH. बच्चे दीज आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस. बच्चे वॉट आर वीक बेसिस, वीक बेस क्या होगी. अगर स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज हो रही है तो वीक बेस बच्चे कंप्लीटली आयनाइज नहीं होती. जैसे मान लो बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर वीक बेसिस. आप इन्हें अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो जितना वॉल्यूम आपने डिसॉल्व किया है वो सारा वॉल्यूम आयनाइज नहीं होता. ओके, दे विल पार्शली आयनाइज. दे आर बेसिस विच पार्शली ionize in water, which partially ionize on dissolving in water. ठीक है, तो इसमें मुझे एग्जाम्पल आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. ऑलराइट, तो दीज आर वीक बेसिस. अब अच्छा यहां हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एल्कली. व्हाट इज एल्कली, एल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर. ओके, लावण्य इज सेइंग वाटर सॉल्युबल बेसिस और बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल. अरहाम डिटर्जेंट को आप वीक बेस कंसिडर कर सकते हो.
Detergent can be considered a weak base. Okay. All right. Anisha is saying soluble bases. All right. Yes. Okay. What is an alkali? Alkali is a weak base. Sorry, not weak base. Sorry, maine galat bol diya. Alkali is a water soluble base. It is water soluble base. That means ये completely water में dissolve हो जाएगी. जितना आप डालोगे सारी dissolve हो जाएगी. अब अच्छा यहां आपको एक चीज ये याद रखनी है, strong bases are alkalis. Alkali में strong bases ही आएंगी, NaOH, KOH. All right? पर बच्चे सारी बेसिस जो है उनको आप एल्कली नहीं बोल सकते. ओके तो यहां एक स्टेटमेंट आती है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. ओके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. अच्छा इसका क्या मतलब है कि अगर आप एल्कली को देखोगे तो एल्कली बेस ही है, पर बच्चे अगर आप कहो कि सारे बेसिस एल्कली हैं, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और आपको ये जस्टिफाई करना आना चाहिए. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. Is this statement correct? अगर ये assertion reason में आएगा तो आपको ये कर पाओगे? Assertion statement हो गया, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. तो reason में दिया हुआ है, all bases do not completely dissolve in water. तो assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation. All right, चलो ठीक है. So alkali concept is clear. और उसके बाद है बच्चे dilute base, concentrated base. It is same as acid. तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं है. All right? It is working same. चलो. तो बच्चे this is all about bases and acids. All right. अब बच्चे we will quickly proceed to concept of pH. Concept of pH. बच्चे whenever you are using indicators, जब भी आप indicator को use करते हो, बच्चे indicator will simply tell you whether any substance is acidic or basic. ओके आपको सिर्फ ये आइडिया होगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. हमें इंडिकेटर से और कुछ नहीं पता चलता कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है. ओके तो इसलिए बच्चे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच. अब बच्चे हाउ डू वी डिफाइन पीएच, पीएच क्या है? दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय सोरेनसन. ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोरेनसन ने. ऑलराइट और बच्चे पीएच का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीएच? पीएच मींस पोटेंस डी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ओके बच्चे दिस इज इन जर्मन और जर्मन में इसका क्या मतलब है? पोटेंस डी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. इट मींस it is representing power of hydrogen ion concentration, power of hydrogen ion. You can simply write H plus ion, power of H plus ion concentration in the solution, power of H plus ion concentration in the solution. ओके पीएच क्या है? पीएच इज रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन. ओके ओके सी आराम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप बोल रहे हो कि स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. पर बच्चे उस स्मेल से क्या आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना ज्यादा वीक है? एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा ना. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? यू विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच. अब बच्चे पीएच को अगर हम देखते हैं, पीएच को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पीएच इज डिफाइंड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ये हमने बोला
पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज नेगेटिव लॉगरिदम. ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. इट इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. In the solution. Okay. तो इसको बच्चे simply आप कैसे define हमने कर दिया. इसका formula कैसे लिखते हैं? pH is equal to minus log H plus ion concentration. pH किसके equal है बच्चे? pH is equal to minus log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन. और बच्चे पीएच की ये यूटिलिटी है कि बच्चे कंसेंट्रेशन चाहे बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तब भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि इसमें लॉगरिदम्स इन्वॉल्वड है. ऑलराइट. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट पीएच स्केल, द पीएच स्केल विल रेंज फ्रॉम, अगर आप पीएच स्केल देखते हो तो बच्चे जो पीएच स्केल है इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 14. ओके, 0 से 14 तक इसकी रेंज है. 0 to 14 दिस इज दी रेंज. अगर बच्चे मैं 7 देखूं, एग्जैक्टली 7 मिड में, 7 पीएच इट इज कंसिडर्ड न्यूट्रल. 7 इज कंसिडर्ड न्यूट्रल. ऑलराइट. उसके बाद बच्चे अगर आप देखोगे 0 to 7 की जो रेंज है, 0 to 7 दिस रेंज इज एसिडिक. 0 to 7 रेंज इज एसिडिक. ओके, ये वाली जो रेंज आएगी, दिस रेंज इट इज एसिडिक. एंड 7 to 14 अबव जाओगे दिस रेंज इज बेसिक. अब अच्छा हाउ डू यू नीड टू रिमेंबर दिस? अब आप इसको कैसे रिमेंबर करोगे? जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, माधव सोप विल कम इन बेसिक रेंज. सोप इज बेसिक इन नेचर. ओके, तो बच्चे एज यू इंक्रीज दी पीएच, जैसे जैसे आपकी पीएच बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज. एज दी पीएच वैल्यू इंक्रीजेस, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस. ऑलराइट. और बच्चे 7 पे एग्जैक्टली क्या होता है? 7 पे एग्जैक्टली बच्चे H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है इट बिकम्स इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन. दिस इज द रीजन 7 पीएच इज न्यूट्रल. न्यूट्रल पीएच पे क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के इक्वल हो जाती है. और जैसे जैसे आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ती है आपका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है. एंड व्हाट हैपेंस टू OH माइनस? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस. ओके, ये याद रखना है आपको. जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी. ओके, अब अच्छा इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं. लेट से यू हैव टू सब्सटेंसेस, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी. सब्सटेंस ए हैज पीएच 2 एंड सब्सटेंस बी हैज पीएच 5. अगर बच्चे आपसे पूछा जाता है विच इज मोर एसिडिक, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी विच इज मोर एसिडिक, बच्चे ए इज मोर एसिडिक. ओके, ए इज मोर एसिडिक कंपेयर टू बी. ए इज मोर एसिडिक कंपेयर टू B. और अगर मैं बच्चे B को देखता हूं, B is less acidic. ओके, देखो ये तो हमें सिंपली समझ आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि एसिडिक रेंज में ही हो आप, तो जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है वो कम एसिडिक होगा. पर बच्चे आपको ये चीज भी याद रखनी है, B का बेसिक नेचर भी है, A का भी बेसिक नेचर है.
हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बी इज मोर बेसिक, बी इज मोर बेसिक कंपेयर टू ए. ओके, बी इज मोर बेसिक कंपेयर्ड टू ए. अगर आप बचे ए का देखो बेसिक नेचर, ए इज लेस बेसिक. Compared to B. तो बच्चे आप उसको बेसिक नेचर के हिसाब से भी कह सकते हो. Alright? B is more basic compared to A क्योंकि उसकी pH value A से ज्यादा है. And A is less basic compared to B because उसकी pH value B से कम है. Is this statement clear? Acidic range में तो वो है पर आपको उनको basic nature से भी describe कर सकते हो. Is that clear everybody? ओके, ऑल राइट. अब अगर आप बच्चे पीएच जीरो की बात करते हो, पीएच जीरो पे आएगा 1 molar HCl. पीएच जीरो पे क्या आएगा? 1 molar HCl. एंड एट पीएच 14 यू विल गेट 1 molar NaOH. तो बच्चे ये टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं, इनको याद रखना है. पीएच 14 पे आपको कौन सा सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का पीएच 14 है? 1 molar NaOH. एंड विच सब्सटेंस हैज पीएच 0? 1 molar HCl. ऑलराइट, ओके. आई विल जस्ट गो टू योर एनसीईआरटी बुक. ओके, यहां तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले शुरू हो गई हैं. सो आई विल जस्ट क्विकली गो टू पीएच स्केल. Alright. Okay. But say this is the universal indicator. ये आपका universal indicator है. बच्चे यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर बिकॉज इट विल शो डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर एट डिफरेंट पीएच. सो दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल. अगर आप एग्जैक्ट पीएच मेजर करना चाहते हो, यू कैन यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एट 7 पीएच 7 न्यूट्रल, इट इज ग्रीन इन कलर. जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ेगा बच्चे, आपका जो कलर है वो शेड्स ऑफ ब्लू की तरफ बढ़ेगा. और अगर आप 7 से नीचे जाओगे, इट विल फर्स्ट टर्न येलोइश, देन ऑरेंज, एंड एज द पीएच डिक्रीजेस टू 0, इट विल बिकम रेड. तो कलर की ग्रेडेशन कैसे हो रही है? व्हेन द पीएच स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेड कलर. अगर पीएच 0 देखो, फिर ये ऑरेंज में आएगा, येलो शेड, देन पेल ग्रीन. 7 के ऊपर जाओगे, जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा, ब्लूइश टिंज आएगा. 14 पे आके डार्क ब्लू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक डिफरेंट शेड्स फॉर मेजरिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशंस. बच्चे आपको ये याद रखने पड़ेंगे. अगर आप गैस्ट्रिक जूस देखते हो बच्चे, गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट इन स्टमक, इसका पीएच है 1.2 बिकॉज इट हैज एचसीएल. लेमन जूस 2.2, प्योर वाटर और ब्लड इन द रेंज ऑफ 7.4, 7 के आसपास ये बच्चे न्यूट्रल माना जाएगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, इट इज यूज एज एंटासिड. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है अबाउट 14, दैट इज 1 mNaOH. ओके, तो बच्चे ये जो शेड है आपको ये याद रखना है कि एसिडिक रेंज में रेड शेड होगा. जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, पहले ऑरेंज होगा, फिर येलोइश, 7 पे जाके ग्रीन हो जाएगा. 7 के ऊपर जाओगे तो ब्लू के शेड्स दिखेंगे, एंड पे जाके बहुत डार्क ब्लू. ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. ऑल राइट, ठीक है, चलो.
So, bache, we are done with concept of pH. Ab let's quickly pick up applications of pH in daily life. बहुत general सा topic है ये, pH in daily life. Okay? तो बच्चे when you talk about pH in daily life, इसके कुछ important roles हैं हमारी daily life में, because pH के बिना life survive ही नहीं कर सकती. तो पहले सबसे पहले बच्चे when you talk about pH, it helps in functioning of our enzymes. हमारे enzymes की functioning में कौन help करता है? pH. जैसे बच्चे हमारे mouth के अंदर जो enzyme है वो saliva. Okay, see, बच्चे what is pH paper made up of? बच्चे pH paper में बहुत सारे indicators mixed होते हैं, क्योंकि इसको हर एक पीएच पे अलग अलग शेड दिखाना है. सो पीएच पेपर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें मिक्स्ड होते हैं. ओके, देवदत्तन, इज दैट क्लियर? जैसे हम एक लिटमस ले लेते हैं बच्चे, लिटमस तो एक ही शेड दिखा रहा है. अब सोचो हर एक पीएच पे अलग अलग शेड है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. ओके, ऑल राइट. सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन पीएच. जैसे बच्चे माउथ के अंदर अगर आप देखते हो, माउथ में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेस. और टाइलिन. तो बच्चे इसको स्लाइटली, मतलब आप कह सकते हो कि इसको बेसिक पीएच चाहिए, उस पर यह वर्क करेगा. और ये बेसिक पीएच किसकी वजह से होता है? सलाइवा की वजह से. उसके बाद बच्चे स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन, स्टमक के अंदर एंजाइम है पेप्सिन. पेप्सिन विल वर्क इन एसिडिक पीएच एंड दिस इज ड्यू टू एचसीएल. ओके, ये तो आपने सारा पढ़ा हुआ है, हमने बहुत अच्छी तरह इसको लाइव प्रोसेस में किया था. उसके बाद बच्चे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है. And bile juice makes the environment basic there for enzymes which are coming from pancreas. तो वहां आपका basic pH हो जाता है due to bile. So बच्चे functioning of enzymes, it is dependent on pH. उसके बाद बच्चे pH का role हमारे mouth में भी है. Okay? pH plays a critical role in proper health of our teeth. जैसे बच्चे dental cavities जो हैं, डेंटल कैविटीज डेवलप इन द माउथ व्हेन पीएच इज बिलो 5.6. ओके, जब बच्चे पीएच माउथ में 5.6 से नीचे चला जाता है, तो डेंटल कैविटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है. अब अच्छा, डेंटल कैविटीज से प्रिवेंट कैसे किया जाता है? हमारे जो माउथ में सलाइवा है वो पीएच को बेसिक रखता है, ताकि जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर है वो अपना काम ना कर सकें. पर बच्चे व्हेन यू आर ईटिंग फूड एंड यू आर नॉट क्लीनिंग योर टीथ प्रॉपरली, तो जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? दे विल ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एसिड्स, और उन एसिड्स की वजह से क्या होगा? आपके माउथ का पीएच बेसिक से एसिडिक हो जाएगा. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? बच्चे हमारे जो टीथ हैं, टीथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट होता है. ओके, एंड बच्चे दिस इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर. तो व्हेन एसिड स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द माउथ, जब बच्चे माउथ के अंदर एसिड डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो बेसिक मटेरियल है बच्चे, उसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा एंड डेंटल कैविटीज विल स्टार्ट फॉर्मिंग. तो बच्चे हाउ कैन वी प्रिवेंट डेंटल कैविटीज? टूथपेस्ट जो होता है बच्चे, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर. ओके, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर. और बच्चे बेसिक क्यों है इनका नेचर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जब हम बच्चे इनको माउथ के अंदर यूज करते हैं, तो उससे हमारे माउथ में एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं बनता,
एज अ रिजल्ट आर टीथ आर सेफ फ्रॉम डीके. ओके, तो देखो डेंटल डेंटल हाइजीन में पीएच का बहुत बड़ा रोल है. यस बच्चे, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर. टूथपेस्ट जो है वो बेसिक है नेचर में. माउथ वॉश भी बेसिक है. ऑल राइट, उसके बाद चलते हैं आगे बच्चे. पीएच ऑल्सो प्लेज अ रोल इन एसिड रेन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी पीएच का रोल है. एसिड रेन बच्चे, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड? हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड? एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं. ओके, when fossil fuels are burnt, when fossil fuels are burnt, oxides of sulfur and nitrogen are released. Released into the air और बच्चे जब रेन बनती है तो क्या होगा? दे कंबाइन विद रेन वॉटर एंड फॉर्म्स एसिड रेन. ओके, तो बच्चे ये एसिड रेन जो है ये क्या हमें नुकसान पहुंचाएगा? देखो अगर आप बच्चे नॉर्मल या नेचुरल रेन को देखते हो तो वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है. प्रॉब्लम ये होती है जब ये एसिड रेन का, जब आपके रेन का पीएच 5.6 के नीचे आ जाए, देन यू विल कॉल इट एसिडिक रेन. और एसिड रेन जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इन अगर रेन वाटर में एसिड आ गया इतना ज्यादा तो उसकी वजह से आपका वाटर बॉडीज जो है दे विल गेट पोल्यूटेड. आपके सॉइल पीएच गिर जाएगा, सॉइल विल बिकम पोल्यूटेड. और बच्चे इससे मॉन्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है. They destroy crops, they destroy soil, they destroy water bodies. बच्चे आपने ताजमहल की जो yellowing है, yellowing of ताजमहल is due to acid rain. Yellowing of ताजमहल. is due to acid rain. All right. So, बच्चे यहां जो ताजमहल येलोइंग हो रही है वो किसकी वजह से है? एसिड रेन की वजह से है. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो बच्चे उससे ऑर्गेनिज्म पे बुरा असर पड़ेगा. नेक्स्ट जो हम पिक करेंगे बच्चे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल. Treatment of soil. बच्चे what do we understand by the term treatment of soil? बच्चे due to acid rain or due to any other condition, soil may become excessively acidic or excessively basic. और बच्चे ये जो condition होती है कुछ crops के लिए useful होती है, कुछ के लिए नहीं होती, क्योंकि बच्चे हर एक crop को एक particular pH चाहिए grow करने के लिए. तो यहां बच्चे हम एक term use कर रहे हैं treatment of soil. अगर soil बहुत ज्यादा acidic हो गई है तो एसिडिक सॉइल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विथ क्विकलाइम, चॉक और एनी अदर माइल्ड बेसिक सब्सटेंस.
अगर बच्चे आपके पास एसिडिक सॉइल है तो हम क्या करेंगे, एसिडिक सॉइल में कोई माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जैसे क्विक लाइम ऐड कर दिया, चौक का पाउडर ऐड कर दिया, लाइमस्टोन ऐड कर दिया, यू कैन ऑल्सो यूज लाइमस्टोन। ओके, तो ये जो बेसिक सब्सटेंसेस है क्या करेंगे, दे विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच। अब बच्चे कई बार बेसिक हो जाती है सॉइल बहुत ज्यादा, तो बेसिक सॉइल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय मिक्सिंग विद mixing with organic manures, बच्चे व्हाट आर ऑर्गेनिक मेन्योर्स, ऑर्गेनिक मेन्योर्स जो है बच्चे वो आपको काउ बफलो वगैरह से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, काउ डंग एटसेट्रा, दैट इज यूज्ड एज मेन्योर, दे आर नेचुरली एसिडिक इन नेचर, वो माइल्डली एसिडिक होते हैं। तो बेसिक सॉइल में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मेन्योर को एड करेंगे, तो उससे सॉइल की जो पीएच है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉइल इज ट्रीटेड। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पीएच इन नेचर, तो इसमें बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टिंगिंग नेटल का, स्टिंगिंग नेटल, दिस इज नेम ऑफ अ प्लांट नॉट एन एनिमल, स्टिंगिंग नेटल हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे बिच्छू बूटी, दिस जनरली ग्रोज इन हिल स्टेशंस, हिली एरियाज में ये प्लांट ग्रो करता है, और बच्चे इसके लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, सेम एज स्टिंग ऑफ हनी बी। अगर आप इसे गलती से टच कर लो तो बच्चे बहुत ज्यादा स्किन में इरिटेशन होती है, क्योंकि उन स्मॉल हेयर्स के अंदर बहुत सारा फॉर्मिक एसिड भरा होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड जब आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे बहुत इरिटेशन होती है। ठीक है, स्टिंगिंग नेटल और बिच्छू बूटी इज अ प्लांट growing in hilly areas, ठीक है बच्चे, ये hilly areas में grow करता है, alright, hilly areas में बच्चे जब कई बार लोग trekking करने जाते हैं उसके आसपास से गुजरते हैं तो क्या होता है, इस plant के जो leaves हैं, the leaves of this plant have fine hairs which has formic acid, तो बच्चे अगर आप इसे गलती से टच कर लो तो क्या होगा, ओके, दिस causes सीवियर इरिटेशन, दिस causes सीवियर इरिटेशन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्किन। ठीक है, पर देखो बच्चे नेचर में इसकी रेमेडी उसके पास ही ग्रो करती है, नेचर विल प्रोवाइड द रेमेडी ऑल्सो, इसके पास में एक प्लांट ग्रो करता है जिसको कहते हैं डॉक प्लांट, और डॉक प्लांट के जो लीव्स है ना बच्चे उसके अंदर बेसिक जूसेस होते हैं, तो उस लीव को अगर आप क्रश करके लगा लो तो बच्चे इसकी जो इरिटेशन है वो रिलीव हो जाती है। ओके, डॉक प्लांट विद लार्ज लीव्स usually grows near stinging nettle तो बच्चे इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इसको आप क्या करोगे, थोड़े से लीव्स इसमें से तोड़ोगे, ऑन क्रशिंग
leaves of dock plant basic juices are released, which can neutralize acid in stinging nettle. स्टिंगिंग नेटल के लीव्स में बचे जो फॉर्मिक एसिड होता है वो डॉक प्लांट के जो लीव्स है उनको क्रश करके जो जूस निकलेगा उससे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो. तो देखो नेचर में रेमेडी भी साथ में है. फिर बचे सिमिलरली हनी बी है. हनी बी एंट इनके स्टिंग में भी क्या होता है फॉर्मिक एसिड. तो अगर हनी बी काटे या एंट काटे आप उस पर टूथपेस्ट भी लगा सकते हो थोड़ा सा या बेकिंग सोडा का पेस्ट क्योंकि वो बेसिक नेचर है. ऑलराइट ओके डन. तो बच्चे ये कुछ बेसिक आप कह सकते हो एप्लीकेशंस हैं पीएच की हमारे डेली लाइफ में. अब बच्चे वी विल क्विकली मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे बच्चे. Alright. So, bache, when you talk about chemical properties of acids, first is reaction of acids with metals. So, bache, when you talk about reaction of acid with metal, metal plus acid, इससे क्या बनता है? अगर आप कभी भी metal को acid में डालो, what will you get? Metal plus acid, it will give me hydrogen gas, right? Metal plus acid, it will give me salt plus hydrogen gas. Okay? Metal plus acid will give us salt plus hydrogen gas. Okay? So, bache, let's take a simple example. Let's say you have zinc. This is a very common reaction. Lab mein ye sabse zyada use hota hai. Zinc plus sulfuric acid. Aur ye sulfuric acid kaise hoga? It would be dilute. So salt bache acid ka hi banega. It will form zinc sulfate. It will form zinc sulfate plus hydrogen gas. ओके अब बच्चे इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है मेटल्स विच आर हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज उनका रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या करेंगे दे विल गिव यू हाइड्रोजन गैस. पर बच्चे इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं. ओके तो जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं जैसे कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है they do not produce hydrogen gas on reaction kyunki bache noble metals hai to unka zyada reaction hi nahi hai otherwise jo hydrogen ke upar metals hai when they react with acids they will give us hydrogen gas. Okay yahan bache aapko ek cheez aur yaad rakhni hai हम जब मेटल और एसिड के रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स नहीं यूज करते. कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा. ओके तो जनरली हम क्या यूज करेंगे विल बी यूजिंग डाइल्यूट एसिड. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव एल्यूमिनियम प्लस HCl डाइल्यूट इट विल गिव अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके बैलेंस द इक्वेशन.
इक्वेशन बैलेंस करिए, एल्यूमिनियम प्लस HCl, बचे बहुत ही आसान है, देखो 3 2, तो यहां 6 आ जाएगा, 6 यहां 2 लगेगा, 2 3। ऑलराइट, अब अच्छे मेटल जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर बच्चे ऐसे कुछ स्पेशल मेटल्स हैं जिनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। ये आपने बच्चे मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा है, व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स, याद है किसी को व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स? हाँ जी बोलो देवादत्तन। तो जो मेटल्स जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों शो करते हैं, जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं, तो दैट मींस दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विद बोथ एसिड एंड बेसिस, राइट? ओके, हाँ जी सिमरन। सर एम्फोटेरिक मेटल्स आर द मेटल्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके ऑलराइट, तो एक्चुअली बच्चे मैंने ये जो दो मेटल लिखे हैं ना, जिंक और एल्यूमिनियम, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। इससे ऊपर अगर मैं कैल्शियम मैग्नीशियम यूज करूं तो दे आर बेसिक इन नेचर, ऑलराइट, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम दे आर एम्फोटेरिक। तो देखो एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आ गया, लेट सी देयर रिएक्शन विद बेस। तो यहां हम एग्जाम्पल लेंगे, ओके फर्स्ट लेट मी राइट द डेफिनेशन। They react with both acids and base to form salt and hydrogen gas. ठीक है, so let's take example, zinc और aluminium ही है। तो बच्चे zinc को अगर मैं react करूं, ओके, इफ आई टेक जिंक, जिंक प्लस NaOH, बच्चे दिस विल गिव मी Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे दिस इज सोडियम जिंकेट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जिंक का बच्चे हमने रिएक्शन एसिड के साथ देख लिया, वहां भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना है, पर NaOH के साथ भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। So it is forming Na2ZnO2. अगर मैं यहाँ 2 डालूं तो I think equation will be balanced. 2Na, 2, okay, 2H, correct, balanced. So this is a complex salt. अब अच्छे, when you talk about reaction of aluminium with NaOH, you need to perform it with very dilute NaOH. So water इसमें हम दिखाएंगे, it is occurring with very dilute NaOH. It will form NaAlO2. Okay, plus hydrogen gas. Ab achha, let's balance this equation. 2, 2, 2. Okay, just check. Ek baar check karke dekhiye. Let's say we have aluminium plus NaOH. प्लस वॉटर, ये मैं 2 हटा रहा हूं यहां से। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसमें एक से ज्यादा कटायन है। इसको बैलेंस करके देखिए, यहां 2 ऑक्सीजन है वो बैलेंस है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहां अगर मैं 1.5 डाल दूं, ऑलराइट, तो बच्चे ये आएगा 2 2 2 2 3। एक बार चेक करिए, 2 2 2 2 3, is it correct? Check the equation. 2 aluminium, 2 NaOH, 2 water, 2 NaAlO2, 3 hydrogen. Is it balanced? Okay. So, bache, this is the equation for amphoteric metals. They react with both acid and bases to form salt and hydrogen. Agar bache, aap aluminium aur zinc ke upar dekho, एल्यूमिनियम और जिंक के ऊपर देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम उनका रिएक्शन भी आएगा, एंड दे विल गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड्स। पर अगर आप बच्चे हाइड्रोजन के नीचे चले जाओगे,
रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके बाद आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। और बच्चे हमने एक चीज और पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल्स में कि अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट इन वेरी डाइल्यूट कंडीशन विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अब उसके पीछे रीजन क्या है, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चे वो क्या करता है, व्हाट इट विल डू, इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। ओके चलो, सो दिस आर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब अच्छे आगे चलेंगे, विल पिक अप सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। बच्चे दोनों का सेम रिएक्शन ही है, चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो प्लस एसिड, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ओके सो लेट्स पिक अप एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेट्स रिएक्ट दिस विद एसिड HCl, तो यहां बच्चे सॉल्ट क्या बनेगा, Na एंड Cl, NaCl वाटर प्लस CO2। ओके इफ यू वांट टू बैलेंस दिस इक्वेशन, हम क्या करेंगे, यहां 2 डालेंगे और यहां 2 डालेंगे, इक्वेशन वुड बी बैलेंस्ड। अनदर वेरी कॉमन एग्जांपल इज बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को कॉमनली हम बच्चे मार्बल चिप्स भी कह देते हैं, मार्बल चिप्स, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सेल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइमस्टोन चौक। तो बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम प्लस SO4, कैल्शियम सल्फेट वाटर प्लस CO2। तो देखो सॉल्ट वाटर CO2 ही बना है। ऑलराइट, लेट्स पिक अप एग्जांपल ऑफ अ बाइकार्बोनेट, तो बच्चे इसमें बेकिंग सोडा ले लेते हैं NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, इसको रिएक्ट करते हैं बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड से, कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट ही बनना है Na2SO4 वाटर प्लस CO2। बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहे कार्बोनेट सॉल्ट लो चाहे बाइकार्बोनेट सॉल्ट लो, एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा यू विल गेट सॉल्ट वाटर एंड CO2, प्रोडक्ट्स आर सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। एंड बच्चे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उसको क्या कर देता है, इट विल टर्न इट मिल्की, दैट इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस। ठीक है चलो, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। बच्चे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव मी अगेन सॉल्ट प्लस वाटर, यहां भी न्यूट्रलाइजेशन होगी बच्चे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिस प्लस एसिड विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। लेट्स पिक अप एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस HCl। ओके यहां कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिड के साथ सॉल्ट बनेगा MgCl2, MgCl2 सॉल्ट प्लस वाटर, तो बच्चे विल पुट अ 2 हियर, 2HCl। अब बच्चे व्हाट इज मेटल ऑक्साइड एक्टिंग एज, इट इज एक्टिंग एज बेस। अगर बच्चे आपको ये बोला जाता है प्रूफ दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो या तो आप मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला लो तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन परफॉर्म द रेड लिटमस टेस्ट, इट विल टर्न ब्लू, या दूसरा एक तरीका है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करो, सॉल्ट और वाटर बनेगा, सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो मेटल ऑक्साइड बच्चे यहां बेसिक नेचर शो कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड,
आप मेटल ऑक्साइड को लो, उसे एसिड के साथ रिएक्ट करो, वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है ना। लेट्स पिक अप अनदर एग्जांपल, लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, इट विल गिव मी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर ही बनना है बच्चे। अब यहां बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाएंगे, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चे दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे बच्चे हमने एम्फोटेरिक मेटल लिखे थे, एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? ZnO, Al2O3। दीज आर ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर। तो बच्चे आई विल जस्ट सिंपली राइट इट्स इक्वेशन विद NaOH, Al2O3, NaOH। तो बच्चे प्रोडक्ट वही बनेंगे जो हमने इनिशियली बनाए थे, जब आपने एम्फोटेरिक मेटल यूज किए जो सॉल्ट बने थे वही सॉल्ट बनेंगे। इट इज जस्ट दैट हाइड्रोजन की जगह वॉटर बन जाएगा। तो ZnO प्लस NaOH, इट विल गिव मी Na2ZnO2 प्लस वॉटर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या बनेगा? NaAlO2 प्लस वॉटर, ठीक है। बैलेंस करिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वॉटर बन गया। सॉल्ट वही है बच्चे, बस अगर एम्फोटेरिक मेटल होता तो हाइड्रोजन गैस हो जाती, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए वॉटर हो गया। बैलेंस दी फर्स्ट इक्वेशन, बैलेंस दी फर्स्ट इक्वेशन, 2, 2, ऑल राइट, 2Na2, ओके। इफ आई पुट अ 2 हियर, अगर मैं यहां 2 डाल दूं, तो इज इट बैलेंस्ड? इफ आई सिंपली पुट 2NaOH, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? बताइए। ऑल राइट, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? सेकेंड वन, Al2O3, NaOH, NaAlO2 प्लस वाटर। 3 और 4, 2, 2, ओके। एल्यूमिनियम इज 2, इफ आई पुट अ 2 हियर, 2Na, 2 हियर, 2Na2, ओके, इट इज बैलेंस्ड नाउ। अच्छा यहां भी आपको 2 ही डालना है सिर्फ, चेक करिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH विल गिव मी 2NaAlO2 प्लस वाटर, चेक। इज द सेकेंड इक्वेशन बैलेंस्ड? ओके, 2 बिफोर वाटर ऑल्सो, 2 हाइड्रोजन। बच्चे आई डोंट थिंक सो कि वाटर के आगे 2 डालने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे देखो 2NaOH है ना, तो 2 हाइड्रोजन वहां बैलेंस हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो बच्चे 2NaOH, 2NaAlO2, ओके, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऑल राइट, तो बच्चे ये कुछ कॉमन रिएक्शन थे एसिड्स विद मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके, आई विल जस्ट गो बैक टू द एनसीईआरटी बुक, लेट मी चेक इसमें और कुछ ना हो, यही होंगे आई थिंक केमिकल रिएक्शंस। ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, NaOH प्लस HCl, ओके, ऑल राइट। चलो बच्चे, आई विल गो बैक टू योर एनसीईआरटी बुक, इसमें जो एक्टिविटीज है उसमें एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके बच्चे, एक्टिविटी 2.3, बच्चे इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव रिएक्शन ऑफ जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब बच्चे जस्ट अंडरस्टैंड दी सेटअप, यहां मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। जब रिएक्शन होगा बच्चे तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी, इट इज एस्केपिंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनटू द सोप सॉल्यूशन। मैं इस डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन में पहुंचाऊंगा। एंड बच्चे हाइड्रोजन गैस इज लाइट, सो इट विल प्रोड्यूस सोप बबल्स, सोप बबल बनेंगे एंड दे विल राइज अप। एंड बच्चे इफ यू बर्न दीज सोप बबल्स विद अ कैंडल फ्लेम, दे विल बर्न विद अ पॉप साउंड। Why? Because this is test for hydrogen.
बच्चे बबल्स के अंदर कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप उसके पास फ्लेम लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस जो बबल्स के अंदर भरी है, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड एंड द बबल्स विल बर्स्ट। अब बच्चे इधर बोला गया है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। बच्चे व्हाट डू यू थिंक, क्या सारे एसिड्स में हाइड्रोजन गैस बनेगा? अगर आप HCl लो, HNO3 लो, H2SO4 लो, सब में हाइड्रोजन गैस बनेगी। पर बच्चे एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड लू, एसिटिक एसिड में रिएक्टिव जो रिएक्शन होगा बहुत स्लो होगा, सो लेस हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। बट इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, HNO3, H2SO4, इनके साथ रिएक्शन ज्यादा तेज होगा। बच्चे आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेम एसिड एंड डिफरेंट मेटल्स किसका रिएक्शन तेज होगा, किसका रिएक्शन स्लो होगा। यू हैव टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, द मेटल्स विच आर हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज उनका रिएक्शन तेज होगा, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं उनका रिएक्शन स्लो होगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ऑल राइट, तो दिस इज डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके बच्चे दिस एक्टिविटी, दिस इज शोइंग द एम्फोटेरिक नेचर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिएक्शन ऑफ जिंक विद NaOH, ये रिएक्शन है। दिस इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक, एक्टिविटी 2.4। चलो आगे एक्टिविटी 2.5। बच्चे इन एक्टिविटी 2.5 वी आर शोइंग रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो बच्चे इस सेटअप में क्या है, यू हैव टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। तो बच्चे कौन सी गैस बनेगी यहां, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। एंड बच्चे दिस CO2 गैस इट इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच इज लाइम वॉटर। वॉट विल यू ऑब्जर्व, लाइम वॉटर विल टर्न मिल्की। तो बच्चे दिस शोज मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद एसिड विल प्रोड्यूस CO2। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव। बच्चे ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए, केस स्टडी में ये आ सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। बच्चे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चे व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट्स, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। तो यहां बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है, यहां हम फिनोप्थलीन यूज करेंगे, फिनोप्थलीन। आई होप फिनोप्थलीन सबको याद होगा, फिनोप्थलीन इज कलरलेस, कलरलेस लिक्विड। अगर आप इसको बच्चे एसिड में डालोगे इट विल रिमेन कलरलेस, बट इन बेस इट विल टर्न पिंक। तो बच्चे हम फिनोप्थलीन को यूज करके न्यूट्रलाइजेशन को शो करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या आप ऐड करोगे बच्चे, ऐड 2 drops ऑफ फिनोप्थलीन। अगर बच्चे आप NaOH सोल्यूशन में फिनोप्थलीन डालोगे तो क्या होगा, इट विल टर्न लाइट पिंक, यहां लाइट पिंक कलर आएगा। अब बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट एडिंग HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सोल्यूशन। अब बच्चे जैसे जैसे आप HCl की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे पिंक कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH सोल्यूशन में डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो लाइट पिंक कलर फेड होना शुरू होगा। और जैसे ही बच्चे सारा NaOH खत्म होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही NaOH खत्म हो गया HCl डाल रहे हो आप, इट विल टर्न कलरलेस। वंस इट टर्न्स कलरलेस दैट मींस सारा NaOH खत्म हो गया। फिर आप क्या करोगे बच्चे, एड 2-3 drops ऑफ NaOH अगेन उस सोल्यूशन में जहां फिनोप्थलीन कलरलेस हो गया है, उसमें दोबारा NaOH डाल दोगे तो बच्चे फिर क्या होगा, अगेन इट विल टर्न पिंक। क्यों? क्योंकि NaOH की क्वांटिटी फिर आ गई, बढ़ गई। तो बच्चे न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड एंड बेस एक दूसरे को रिएक्ट करके खत्म करके सॉल्ट बना देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज फिनोप्थलीन टू शो न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज डन,
आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. ओके ऑल राइट, मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स. बच्चे यू हैव टू टेक कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्टरिंग. बच्चे नोट दी सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन. बच्चे कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl इट विल फॉर्म CuCl2 प्लस वॉटर. बच्चे दिस इज ग्रीनिश ब्लू इन कलर, ग्रीनिश ब्लू. तो कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन जो बनेगा इट इज ग्रीनिश ब्लू इन कलर. देखो यहां दिया ब्लू ग्रीन कलर. ओके, तो दिस इज शोइंग रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड. फिर बच्चे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड है, यू पास इट थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये अभी हम इसका टेस्ट करके आए हैं. इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉटर. बच्चे जरा ध्यान से देखिए, ये बेस है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर. अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप दो तरीके से कर सकते हो. पहला है डिसॉल्व इट इन वॉटर, परफॉर्म ब्लू लिटमस टेस्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड इट विल टर्न रेड. दूसरा तरीका है बच्चे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करो, यू विल गेट सॉल्ट एंड वॉटर. तो दिस इज शोइंग दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. इज दिस क्लियर, सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ठीक है. सो बच्चे यहां हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एसिड्स एंड बेसिस की वी आर थ्रू, वी आर डन. ओके, ये जो एक्टिविटीज हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज गो थ्रू इट. वी हैव ऑल्सो डन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, थोड़ा जल्दी किया था पर बच्चे वी आर रिवाइजिंग सो वी हैव टू गो फास्ट. ठीक है, स्लो नहीं चल सकते, थोड़ा तेज ही करना पड़ेगा तभी हम चैप्टर फिनिश कर पाएंगे. सो बच्चे नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन फ्राइडे विल बी पिकिंग अप फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड सॉल्ट फैमिलीज. सो बच्चे प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट हम सॉल्ट को खत्म करेंगे. ऑलराइट, सिमरन फाइल ऑन द ग्रुप, दैट मींस व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहे हो आप? सिमरन यू आर सेइंग दैट, ओके ऑलराइट, ठीक है चलो. ओके बच्चे आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर, प्लीज रिवाइज इट थ्रू. अगर आप रिवाइज करोगे तब आपको इसका बेनिफिट है. ओके ऑल राइट, चलो आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर बच्चे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.